कल का एपिसोड देखने के बाद मैं ये सोच रहा था, आई वॉज रिकॉलिंग के बिग बॉस मराठी तो खैर छोड़ दीजिए, बिग बॉस मराठी पार्ट वन वो तो बहुत ही डिसेंट शो था, तो बाकी के बिग बॉस के हिंदी के शो, तो मुझे मैं याद कर रहा था कि कौन सा ऐसा शो था जिसमें आते ही घर वालों ने ऐसा भूचाल मचा दिया, बाप रे बाप। तो मुझे याद आया एक बिग बॉस 11 में शायद से एक कैरेक्टर आए थे एजाज खान, जिन्होंने आते ही घर में इस तरह की चीजें लोगों को उनकी औकात दिखानी शुरू कर दी थी, ये अर्शी खान को 2 रुपीज औरत तक बोल दिया था। तो फिर वीकेंड का वार में सलमान खान ने उनको आईना ऐसा दिखाया, उनको औकात की ऐसी बात की कि उनको यहां तक के सलमान खान ने बोल दिया था कि कुत्ता बना दूंगा और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो बात करते हैं शिवानी जी की। शिवानी जब घर में एंटर हुई स्टेज पे, उन्होंने कहा कि बातचीत की कि मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, तो इस तरह की बहुत पोलाइट हूँ, तो मतलब देखने में कितनी खूबसूरत है, ऐसा लगता था कि यार ये एक बहुत अच्छा कंटेंडर कंटेस्टेंट जो है आ गया है घर में। और ये नहीं सोचा था कि बाप रे बाप। कल के एपिसोड में देखो जी, पहले उन्होंने अपनी स्ट्रगल की बात की कि मैं ये यहां से बड़ा इमोशनल सा लगा कि अब वो सुधर गई हैं, लेकिन बाद में किया क्या। तो शिवानी के जो सबसे बड़े, मैं गुनाह की बात करता हूं, गलतियां नहीं, गलतियों से बड़ी बात है। पहली बात तो ये उन लोगों ने जो किया, चलो बिजू गले के साथ जो भी चीज है उनको तंग करना, उनके आगे आना, वो अपने शिल्पा शिंदे की कॉपी करना, वो सब बातें भी छोड़ दें, तो सबसे पहले तो ये जो लोगों ने महेश मांजरेकर साहब को इनकी इस बात पे क्लास देनी गए, तो बिचुकले बंदर जो किया वो, क्योंकि जो सरनेम होता है किसी भी आदमी का वो एक एंसेस्टर के साथ जुड़ा होता है, इसका मतलब आप उस आदमी की ही तौहीन नहीं कर रहे, उसके बाप दादा को तौहीन कर रहे हो, तो वो जो है इनटॉलरेबल बात है। तो वो उसके साथ जो बाकी साथी भी थे तो उनको भी इसका दंड भुगतना पड़ सकता है। दूसरा जो गुनाह कह सकते हैं कि जो इन लोगों ने पराग का मजाक उड़ाया, पराग के काम का, शेफ कम्युनिटी का, शेफ होने का, कि क्या है 7-स्टार होटल में शेफ है, बोलो ये क्या है, शेफ इंसान नहीं होता, कोई भी काम उसने कहा कि हाँ मैं, लेकिन मैं ईमानदारी से करता हूं, हर काम रिस्पेक्टफुल है भैया, तो आप क्या, आपको एक्टर होने का इतना ज्यादा घमंड हो गया, मतलब भगवान से डरना चाहिए कि एक्टर का भी कोई पता नहीं होता, आज काम है कल को। मैंने बड़े बड़े देखे हैं जो आसमान से नीचे गिरते हुए बड़े बड़ों को देखा है, तो इसलिए इस तरह का घमंड नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद तीसरा जो बड़ा गुनाह किया, बाप रे बाप, बाथरूम में पानी फेंकना तो अलग है, जो सबसे पहले उसने ऐसे पैर फंसा के बीच में उसको गिराने की कोशिश की थी, अगर वो गिर जाता तो मैं तो कहता हूं गिर ही जाता, क्योंकि वो इतना जाने से, अगर वो गिर जाता तो शिवानी का क्या हाल होता। लेकिन इस बात पे ये भी बहुत बड़ा गुनाह है एक अपने से सीनियर बंदे की, आपकी एज तो देखो, आप एज का ही रिस्पेक्ट कर लो, मतलब हद है यार। उसके बाद बोलते हैं कि मैं पराग को मार के बाहर निकल जाऊं घर से, इतना आसान नहीं है। तो ये चीजें, मतलब सच में मुझे लगता है कि कहीं, मतलब उसकी लड़की को हो क्या गया है, मतलब ये कहां से क्या सीख लिया उसने कि बिग बॉस में इस तरह की हरकतें करो तो ठीक रहता है, आगे तक जाता है आदमी, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता कि, मुझे तो ये लगता है कि क्या, जैसे कहें कि अकल घास चरने चली गई है, घास खाने चली गई है, क्या कहां गई है, तो सोचिए शिवानी मैडम। धन्यवाद दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।